देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिनभर की प्रमुख खबरों की तरफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आती, किसी न किसी विवाद में फंसे रहते हैं। हाल ही में अपने सुरक्षा कर्मी को सरेआम थप्पड़ मारने के चलते भी इन पर कई सारी उंगलियां उठी हैं। गुर्जर समाज ने देशव्यापी आंदोलन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ शुरू कर दिया है। आंदोलन में शर्त रखी गई है कि मुख्यमंत्री अपने सुरक्षा अधिकारी कुलदीप गुर्जर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, साथ ही पूरे गुर्जर समाज से भी मुख्यमंत्री माफी मांगे। आज इसी को लेकर गुर्जर समाज गुना ने रैली निकालकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। पूरे पुलिस विभाग का भी ये बहुत बड़ा है, इसीलिए हम पिटाई की घोर निंदा करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा की गई, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। गुर्जर समाज ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारे एक ऐसा एक कुलदीप गुर्जर के साथ जो घटना घटी है, जो मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने ये जो धार जिले में थप्पड़ मारा एक कुलदीप गुर्जर को नहीं, पूरे जिले के गुर्जर, पूरे गुर्जर समाज को, समस्त गुना जिला, पूरा मध्य प्रदेश समाज को ये तमाशा मारा है, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। जो इतना महत्वपूर्ण पद पर बैठ के भी जो हमारे गुर्जर और सभी पुलिसकर्मी जो आज वो बिना भोजन बिना उसके उनकी वो करते हैं सेवा, आज हमें आक्रोश है और आगे अगर हमारे गुर्जर समाज का ये भी है कि अगर माफ़ी नहीं मांगी गई निजी रूप से और गुर्जर पूरे मध्य प्रदेश गुर्जर समाज से, तो हम आगे हमारा आंदोलन रहेगा। मध्य प्रदेश के डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने आज कलेक्टर राजेश जैन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मांग की गई है कि विगत एक वर्ष पूर्व आंदोलन डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने चलाया था, उसके एक साल बाद भी उनकी समस्याएं जस की तस हैं, किसी भी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ, जिसमें प्रमुख मांग थी कि इन सभी डिप्लोमा इंजीनियर्स को नियमितीकरण किया जाए। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन इंजीनियरों की मांगों को किस तरह से लेता है। ग्रामीण विकास विभाग में कार्यरत नियमित एवं संविदा अभियंताओं की समस्याओं के निराकरण के संबंध में आज ये ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन को दिया जा रहा है। और सभी लोग पहले लगभग एक वर्ष पहले हम लोगों ने जो हड़ताल हुई थी, हड़ताल में जो हमारी मांगें थी, उन मांगों के निराकरण के लिए एक बड़े स्तरीय उच्च स्तरीय कमेटी मध्य प्रदेश शासन ने बनाई थी, लेकिन आज तक उसका कोई भी हल नहीं हो सका है। इसलिए वही उनको याद दिलाने के लिए और पुनः हम एक ज्ञापन कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। इसमें मुख्य मांगें हमारी ग्रेड पे के संबंध में है, दूसरा जो संविदा अभियंत्री कई वर्षों से विगत 10 या 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनको नियमित किए जाने के संबंध में है, कई बहुत महीनों से जो सब डिवीज़न पहले एक वर्ष पूर्व बंद कर दिए गए थे उनको दोबारा प्रारंभ कराने हैं, और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं जो डीए से संबंधित हैं, सैलरी से संबंधित हैं, उन सब के निराकरण के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और शासन से मांग करते हैं कि हमारी मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किया जाए। नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय ने आज सीएम के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें गुना नगरपालिका क्षेत्र में कुओं का सर्वे कराकर उन पर मुंडेर बनाए जाने की बात भी कही गई। बता दें कि कल दो सांड लड़ते हुए हरिपुर रोड स्थित एक कुएं में गिर गए थे, जिन्हें वहां से सकुशल निकाल लिया गया था। वहीं नेता प्रतिपक्ष सुनील मालवीय ने 48 घंटों की मोहलत नगरपालिका को दी है, जिसमें इन 48 घंटों के अंदर ही हरिपुर रोड स्थित कुएं पर मुंडेर नहीं बनी तो कांग्रेस पार्षद दल उग्र आंदोलन करने को मजबूर होगा। व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, आवारा मवेशियों की व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। श्रीमंत बूढ़े वाला जी हरिपुर रोड स्थित एक कुएं में दो बहनों को लड़ते हुए गिरने की जो घटना हुई उसको देखते हुए गुना नगर के कुओं का सर्वे कराकर मुंडेर बनाई जाए, साथ फेंसिंग भी कराई जाए, जिससे पशुओं के साथ साथ आम नागरिकों को भी कोई परेशानी ना हो सके, इसके लिए
नगर पालिका ही कुओं आदि सुचारू रूप से हो सके ऐसी व्यवस्था नगर पालिका शीघ्र ही करे, तो उक्त मांग को लेकर कांग्रेस पार्षद दल एवं कांग्रेस परिवार गुना नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। सादर भवदीय समस्त कांग्रेस पार्षद दल एवं कांग्रेस परिवार गुना। जो ज्ञापन मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम था गुप्ता जी को दिया गया है, कल बूढ़े वाला जी स्थित हरिपुर रोड पर एक प्लेन कुएं में 60 फीट गहरे कुएं में जो है दो बैल लड़ते लड़ते गिर गए थे। उसकी सूचना मुझे वहाँ के स्थानीय निवासी जीतू धाकड़ ने दी। मैंने तत्काल यहाँ शकील खान को फ़ोन किया और फोन करके जेसीबी ये सब लेके मैं साथ में जो है घटनास्थल पर पहुँचा, तो बाद बड़ी मशक्कत के बाद उन बैलों को निकाल लिया गया, दोनों जिंदा निकले, मेहनत सफल हुई। और जिन लोगों ने वहाँ मेहनत की वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, चूँकि वो बहुत जर्जर कुआ है, 60 फीट गहरा है, मुंडेर उस पर बनी हुई नहीं है। हम इस बात को लेकर यहाँ पर आए हुए हैं कि गुना शहर में जितने भी कुआ हैं उनकी मुंडेरें नगर पालिका बनवाए और मुंडेर बनवाने के बाद फेंसिंग की जाए, जिससे आवारा पशुओं का जो हमारे गुना में एक आतंक चल रहा है, नगर पालिका इस ओर नज़रअंदाज कर रही है, नगर पालिका नहीं देख रही है आवारा पशुओं को, जिससे कि गुना शहर में कई एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। इनके पास कोई प्लान नहीं है उनके लिए, तो हमने मांग की है कि इनको शहर के बाहर रखा जाए और ऐसी जगह सुरक्षित भेजा जाए जहाँ इनको चारा आदि उपलब्ध हो सके। साथ ही हम ये मांग करते हैं कि 48 घंटे के अंदर अगर हरिपुर रोड पे उस कुएं पे मुंडेर और फेंसिंग इनने नहीं कराई तो कांग्रेस परिवार कांग्रेस पार्षद दल उग्र आंदोलन करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की होगी। श्रीराम कॉलोनी निवासी आज पहुंचे नगर पालिका, जहां उन्होंने सीएमओ के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि उनके मोहल्ले में नालियों की बड़ी समस्या है, जिसके चलते आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। वहीं मोहल्ले वासियों ने यह भी कहा कि पास ही एक नाला है जिसकी सफाई कई वर्षों से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से क्षेत्र में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जल्द से जल्द नालियां बनाए जाने एवं नाले की सफाई किए जाने की मांग भी की है। नाली नहीं है सर, गाँव में नाली की पानी का निकास नहीं है, उसमें झगड़े झगड़े होते रहते हैं, तो पानी का निकास किया जाए। गंदगी है, नाली नहीं है, नया नाली में बीमारी हो, गंदा गंदा नाला भी है, उसमें भी गंदगी बहुत है, तो बाद में और नाल पूरा रोड जाम हो जाता है पानी के चक्कर। रमगढ़ निवासी युवक ब्रजपाल का शव क्षतविक्षत हालत में पाया गया था, जिसकी पोस्टमार्टम के लिए शव भोपाल भेजा गया था। आज कैंट थाना प्रभारी ने दो युवकों को ब्रजपाल की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इन दोनों युवकों ने हत्या कबूल कर ली है। आपको बता दें कि परिजन बहुत पहले ही कुछ लोगों का नाम पुलिस को दे रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी किसी को हिरासत में नहीं लेते हुए युवक की केवल गुमशुदगी दर्ज की गई। युवक का शव मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि इस हत्याकांड में शामिल किसी नामचीन व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करेगी। सूत्रों की माने तो एक नामी व्यक्ति भी इस हत्याकांड में शामिल था, पर समझ से परे है कि क्यों उसका नाम अपराधियों की लिस्ट में क्यों नहीं लाया गया। हालांकि परिजन शुरू से ही उस नामी ग्रामीण व्यक्ति की नामजद रिपोर्ट कर रहे थे, फिर क्यों उस व्यक्ति को छोड़ा गया यह समझ से परे है। बताया जा रहा है कि उक्त नामी व्यक्ति के पुलिस में काफी अच्छे संबंध होने की वजह से उसका नाम आरोपियों के नाम से हटाया गया है। ये न्यू ईयर पार्टी ग्राम रमगढ़ा में रखी गई थी, उधर उस दौरान एक व्यक्ति लापता हो गया था न्यू ईयर पार्टी के बाद, जिसकी गुमशुदगी दिनांक 2/1/18 को थाना कैंट में दर्ज की गई थी, और लगभग 4 दिन बाद उसका शव भी में पहाड़ी के पास मिला था, जिसको देख करके ये प्रतीत हुआ कि ये घटना दिनांक को ही इसके साथ हत्या कर दी गई थी। इसका
शव का जो पोस्टमार्टम है वो भोपाल में कराया गया था, MLI भोपाल में। इसके बाद जो संदेह था जिन लोगों पर, लीवर पार्टी के दौरान मृतक का दो व्यक्तियों का झगड़ा भी हुआ था, उसमें कुछ लोगों ने बीच बचाव भी किया था, झगड़े के बाद से ही ये व्यक्ति लापता था मृतक। इसमें काफ़ी लोगों से पूछताछ की, बारीकी से इसका विवेचना की गई। इसमें दौरान विवेचना में बंटी सिकरवार और रंजीत सिकरवार निवासी रमगढ़ा के, इनका काफ़ी दिनों से विवाद भी चला रहा था, इन दोनों से पूछताछ की गई। तो पूछताछ में इन्होंने जुर्म कबूल करा और इन घटना के समय जो ब्लड, मृतक का ब्लड इनके कपड़ों पर भी पाया गया, जिनको इन्होंने उस दिन धोने का भी प्रयास किया था, उसके कुछ अंश तो मौके पर मिल गए। इसकी लाश जहाँ मिली थी तो क्या क्षेत्रों की विकसित हालत मिली थी क्या? काफ़ी विकसित हालत में लाश मिली थी, क्योंकि 6 दिन हो गए थे, 6 दिन से ही इसको, पहले तो इन्होंने झाड़ियों में छुपा दिया था, उसके बाद ओपन जगह में पटक दिया था, क्योंकि लगातार ही गांव वाले उसको तलाश रहे थे और लगातार ही पुलिस तलाश रही थी। तो इन्होंने प्री प्लानिंग तरीके से पहले तो उसको छुपाया, उसके बाद फिर इसको ओपन एरिया में पानी के पास उसको डाल दिया। चिटफंड कंपनी सहारा के ग्राहक दिनों दिन परेशान हो रहे हैं, उन्हें उनके खून पसीने की कमाई वापस नहीं मिल पा रही। बाहर के जिलों से यहाँ रोज लोग अपना पैसा लेने के लिए सहारा के दफ्तर चक्कर लगा रहे हैं, इसके बावजूद भी इन्हें इनका पैसा नहीं मिल पा रहा। वहीं बदरबाद से एक एजेंट जो अपना काम काज छोड़कर सुबह से लेकर शाम तक केवल ऑफिस में इस आस में बैठा रहता है कि उसके पैसे मिलेंगे तो वह कर्जदारों का पैसा वापस कर सकेगा, लेकिन पैसा हाथ नहीं आता। इन सभी समस्याओं को लेकर जो हमने ब्रांच मैनेजर से बात की तो उन्होंने बताया कि ऊपर से पैसा नहीं आ रहा और प्रतिबंध लगे होने के चलते पैसा जमा नहीं किया जा रहा। समस्या परे है कि ब्रांच मैनेजर के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की दलील कैसे दे सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सहारा इंडिया से पैसा इकट्ठा करने की साफ मनाही की है। अरे भाई साहब, सब रहने दो ना, क्या सर, क्या सुन लिया? ऊपर आ जाओ, ऊपर सारा में पैसा तो बहुत फंसा है, लेकिन टारगेट 20-25 लाख के लगभग है अभी तो, और सुबह बदरवास से आ जाते हैं यहाँ, शाम को चले जाते हैं, ग्राहक परेशान कर रहे हैं ज़्यादा। कुछ पेमेंट ऐसे हैं जिसको 40-40 महीने हो गए, ऊपर होने के बाद 40 महीने हो गए, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। अब चूँकि गांव में बदरवास कोई शहर तो है नहीं, सुबह 6 बजे से जमा करता आ जाते हैं घर पे, तो वहाँ से भगे आते हैं बदरवास से, शाम को चले जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जमा करता है जिनको अटैक आ गया, उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही, कुछ एक्सीडेंट हो गया उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही, कुछ शादी ब्याह में उनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही, कुछ ज़्यादा जिद करते हैं जमा करता तो उनकी उठा पटक करके बाजार से ब्याज से ले देकर उनकी पार पार रहे हैं थोड़ा बहुत दे दे के। कारण यह है कि लगभग 4 वर्षों से कंपनी के ऊपर एम्बार्गो लगा हुआ है, एम्बार्गो का तात्पर्य होता है प्रतिबंध। उसमें क्या है, कंपनी के बड़े बड़े खाते सीज हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी सीज हैं, ऐसा ऊपर से भी नहीं आ पा रहा है और मार्केट का मतलब ये होता है कि जो इसमें प्रतिबंध लगा हुआ, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा, जो एम्बार्गो प्रतिबंध लगा हुआ है लगभग 4 वर्षों से, उसके कारण हम लोग परेशान हैं। परेशान इसलिए है कि बड़े बड़े खाते कंपनी के सीज हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी सीज है, ना प्रॉपर्टी को सीज कर, सेबी का विवाद चल रहा है इसके कारण हुआ है। तो सेबी और सुप्रीम कोर्ट ने हमें बंडेड कर दिया है ना, भुगतान कर रहे हैं, जो अपना पैसा आ रहा है तो एजेंट लोग उन्हीं से सामंजस्य बैठा के भुगतान करते रहते हैं, ऊपर से मेरा पैसा नहीं आ पा रहा इसलिए हम पेमेंट नहीं कर पा रहे, कहने का तात्पर्य है भाई साहब, पूरे 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 हिंदुस्तान में चक्र चल रहा है, पूरे मतलब समूह पे लगा है ना प्रतिबंध। गुना के अभिभाषकों ने सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों के खिलाफ गुना कोर्ट में लगाया परिवाद। 12/1/2018 को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें उन्होंने मीडिया के सामने मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा पर न्यायिक व्यवस्था को लेकर बिना किसी सक्षम अथॉरिटी के अनुमति लिए सुप्रीम कोर्ट में अनियमितता फैलाने का आरोप लगाया। कहा कि श्री मिश्रा जी के कार्यों के कारण लोकतंत्र खतरे में है। इस सभी गहमा गहमी के बीच गुना के अभिभाषक राकेश पटेल ने सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों पर दर्ज कराया प्रतिवाद। अभिभाषक राकेश पटेल ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जस्टिस जे चेलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस मदन कोकुर ने बिना किसी परमिशन के अपने निवास पर प्रेस वार्ता का आयोजन कर सभी अभिभाषकों का मान गिराया है, जिसके कारण गुना में अभिभाषकों के प्रतिकूल टिप्पणियां सुनने को मिल रही हैं। वहीं राकेश पटेल ने यह भी कहा कि इन 4 न्यायाधीशों को न्यायाधीश की हैसियत से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस तरह से अपने निजी निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शोभा नहीं देता।
उन्होंने पूरे देश के अभिभाषकों एवं अदालतों के कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। बता दें कि इस प्रतिवाद की 19 जनवरी 2018 को प्रथम पेशी होना है। आपको मुकदमे से मतलब, आप पर्टिकुलर किसी मुकदमे को टारगेट कर कर ये क्यों कह रहे हो कि हमको भला मुकदमा नहीं दिया जाए? क्यों दिया जाए? क्यों दिया? और मैं एक बात आपसे कहूँ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा ने आज अपने गुनाह में दो बार आ चुके हैं, बहुत अच्छे और इतनी लर्नेड पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे बहुत डाउन टू अर्थ बोलते थे, शादी में जाते पूरे 1200-1500 लोगों की जो भीड़ रहती थी, पिन ड्रॉप साइलेंट रहता था, अनुमति नहीं है किसी भी जज को। ये प्रोटोकॉल है, उसमें नहीं जा सकते। ये प्रोटोकॉल है, आपकी कोई शिकायत है तो आप कानून के दायरे में रहें। अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना थी या आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, हमारे द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के 4 सदस्य जो हैं उनके द्वारा न्यायाधीश के रूप में कार्य किया जा रहा है, परंतु उनके द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री दीपक मिश्रा जी पर आरोप लगाए थे, हमारी नज़र में उनका कृत्य व प्रेस वार्ता करना एक आपराधिक कृत्य तथा वह न्यायिक कार्य प्रणाली संपादन करने की श्रेणी में नहीं आता है। उन्होंने अपनी पद की गरिमा को खंडित किया है तथा उनके द्वारा जो ये एक आपराधिक कृत्य किया गया है वह किसी सुनियोजित उद्देश्य से किया गया है ये तो भगवान जाने, लेकिन उनका ये कृत्य भारतीय दंड संहिता तथा न्यायालय अवमानना अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक कृत्य है। इससे व्यथित होकर मैंने मेरे मित्र अभिभाषक मनोज श्रीवास्तव से परामर्श किया और उनके माध्यम से एक परिवार माननीय JMFC महोदय गुना के न्यायालय में प्रस्तुत किया है, जिसमें सुनवाई की तिथि कल की नियत की गई है। हमारा ये मानना है कि इन चारों आरोपीगण द्वारा जो प्रेस वार्ता की गई वह एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए ये अपने किसी अंतरस्थ हेतु की पूर्ति के लिए की गई, इससे भारतीय न्यायपालिका की जो गरिमा है तथा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि है उसको भारी आघात पहुँचा, जिसकी कभी भी द्रव्य के रूप में नहीं हो सकती। क्या मांग है आपकी? क्या मांग? हमारी मांग ये है कि इनका जो एक आपराधिक कृत्य है जो हमने परिवाद लगाया है कोर्ट में, इसमें हमने समस्त तथ्यों का उल्लेख किया है तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 166, 499, 500, 503 तथा न्यायालय अवमान अधिनियम की धारा 12 के अधीन संज्ञान लिया जाकर इनके विधिक कार्रवाई की जाए। आरोन के पनवाड़ी हाट में पंचायत भवन में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी अरविंद वाजपेयी, नायब तहसीलदार कालूराम मीणा, सह सचिव जितेंद्र वंशी उपस्थित थे। SDM ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सभी बेघर परिवारों को कच्चे तथा टूटे फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2022 तक सुविधा युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भारत सरकार जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ऐसे परिवार निम्न 13 श्रेणी में से किसी भी एक श्रेणी में आते हों तो वो आवास के लिए पात्र नहीं है। किसानों से अपील की कि आने वाली मसूर, चना, सरसों आदि फसल का जाकर किसान केंद्र पर पंजीयन करा सकते हैं। चना का भी आप भावांतर का हो तो आप लोग उसका पंजीयन करा लेना, भावांतर वाला सभी लोग ध्यान रखना। वो कहां पे होगा सर? जमीन को ले जाके सर हमने जमीन 5 हेक्टेयर हमसे 2 हेक्टेयर में चना हुआ है, कैसे कराना? आपका मोबाइल ऐप पे पूरी जानकारी आवेदन लिखवा दिया तो आपको चेक कर दूंगा मैं। अभी पहली बात था आपकी बात तो बिल्कुल जितना हो जाए उतना करिए। जैसे प्रोडक्ट के बाबत करवाया था ना, ऐसे इसका इसका चना का बाबत करवा दूंगा। चने के हम तो सभी का होगा है ना, तो बाबत करने का देना चालू हो गया था अभी नहीं, वो तो अभी आएगा, मुझे एक महीने पहले पड़ जाएगा आपको। ये चना में जैसे पंजीयन चालू हो गया था, पंजीयन जैसे सुवाणी का पंजीयन हुआ था, आप अभी नहीं किया था परिवार सामने में आगे गाँव में से हमारे सहयोगी चंद्रेश अग्रवंशी की रिपोर्ट।
स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत के लिए भोपाल से दिल्ली तक की साइकिल रैली निकाली जा रही है। रैली का उद्देश्य स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत है। रैली प्रमुख प्रोफेसर विशाल जी ने बताया कि भोपाल स्कूल ऑफ सोशल स्टूडेंट के 5 छात्र एवं 10 छात्रों द्वारा ये रैली भोपाल से दिल्ली तक निकाली जा रही है। रैली 17 जनवरी को भोपाल से निकली, जिसका पहला पड़ाव सिरोंज, उसके बाद दूसरा गुना रहेगा। इसी तरह शिवपुरी ग्वालियर होते हुए 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचना है। रैली के सभी लोग रास्ते में पढ़ने वाले स्कूल, गांव और व्यक्तियों को स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के प्रति जागरूक करेंगे। ये साइकिल रैली कहाँ से आ रही है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? साइकिल रैली हमारी भोपाल से दिल्ली की तरफ जा रही और कॉलेज के छात्र छात्राएं, इसका उद्देश्य जो है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। रास्ते में पढ़ने वाले जितने भी छोटे कस्बे गांव हैं, हम वहां जाके उनको अवेयर कर रहे हैं कि इसे स्वच्छता बनाए रखनी है अपने घर में भी और अपने मोहल्ले में भी और अपने शहर में भी। जब मोहल्ला स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, शहर स्वच्छ होगा, तो अपना देश भी स्वच्छ होगा। हमारी यात्रा दिल्ली में जाए ख़त्म होगी माननीय नरेंद्र जी मोदी जो अपने प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा राष्ट्रपति। डीजीएनए न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।